को। तुझे क्या लगा था काली कि पिछली बार की तरह तू हमें इस बार भी मार देगी, वो भी इस त्रिशूल से? देवरी कच्ची गोलियां नहीं खेलता है काली। इस बार हमारी शक्तियां पहले से भी ज्यादा हो गई है। देवरी को मारने चली थी ना तू, अब देख तेरे एक वार से कितने सारे देवरी पैदा हो गए। पहचान सकती है तो पहचान ले। पहचान काली, हम में से असली देवरी कौन है? पहचान। भैया, कितना विश्वास किया तुम पर, भरोसा किया, लेकिन अब नहीं भैया। पहले हम कुमारा 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 नंदू, ये आप क्या बोल रहे हैं? छोटा भाई है तू हमारा, और बड़ा भाई होने के नाते हमारा ये धर्म है कि हम तेरी सारी इच्छाएं पूरी करें। ठीक है, तेरी ये इच्छा भी पूरी करते हैं, मार देते हैं तुझे। अच्छा लगा जानकर कि आप हमसे अब भी उतना प्यार करते हैं, तो हमारी आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। बोल, क्या है तेरी आखिरी इच्छा? बस एक बार हमको गले लगा लीजिए, और आखिरी बार भी। लेकिन अब नहीं, की महारत हासिल करी थी ना आपने भैया, लेकिन भूल गए कि अम्मा ने कहानी में क्या बताया था कि जिस इंसान का रक्त बीज किसी आम इंसान के रक्त से मिल जाता है तो नहीं रहता। वक्त आ चुका है नंदू, आप अभी छोड़ के नहीं जा सकते। एक पिता का फर्ज होता है दुल्हनिया कि अपनी बच्चियों को अच्छी परवरिश देना, वो भी हम नहीं कर पाए तो क्या फायदा दुल्हनिया। नंदू, क्यों किया आपने, क्यों किया? ठीक है, तुम्हारे फर्ज है, तुम निश्चिंत हो गए हमारी दोनों बच्चों के अच्छे से परवरिश कर। ऐसा करने के लिए हमें आपका साथ चाहिए नंदू, आप ही बीच रास्ते हमें छोड़ के नहीं जा सकते। करे दुल्हन, अब तो यही है ना तुम्हारे पास, जब हमें याद करोगे वो आ जाएंगे।
गली। सुनो कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो गली। गली सदमे में जा चुकी है, ना कुछ बोल रही है ना कुछ कह रही, एकदम जत हो गई। क्या करें हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। गली का रोना अति आवश्यक है। क्या है कि आंसुओं के रास्ते ही मन का बोझ हल्का होता है। कुछ भी करके काली को रुलाना होगा, वरना वो और भी गहरे अवसाद में चली जाएगी। मैं गली को कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है, तुम लोग कोशिश करो कि काली किसी भी तरह से रो ले। तब तक हम अंतिम संस्कार की व्यवस्था देख कर आते हैं।